उधर केंद्र के कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली बॉर्डर पर किसानों का धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। धरना स्थल पर भारी संख्या में पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है। इस बीच किसान मोर्चे ने 6 फरवरी को देश भर में चक्के जाम का ऐलान किया है। किसान शनिवार 6 फरवरी को देश भर में दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक चक्का जाम करेंगे। वहीं गाजीपुर बॉर्डर के पास आज रात 11 बजे तक इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। गुरुग्राम से हमारे साथ हमारे संवाददाता सतबीर जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सतबीर, गुरुग्राम में आप इस वक्त मौजूद हैं। दिल्ली की जो तमाम सीमाएं हैं, सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर पर इंटरनेट पर पाबंदी पुलिस ने लगा दी, प्रशासन ने लगा दी है। पुलिस का भारी जाब्ता वहां पर तैनात किया गया है। इस वक्त क्या गहमा गहमी है, क्योंकि जानकारी मिल रही है कि बड़ी संख्या में वहां पर अभी भी किसान मौजूद हैं। आशीष जी, 26 जनवरी के बाद और अभी गाजीपुर बॉर्डर के ऊपर किसानों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। वहीं पर दिल्ली पुलिस ने तीनों बॉर्डरों के ऊपर इंटरनेट को बंद कर दिया गया है और दिल्ली पुलिस ने ऐसी कार्रवाई की है कि आप अचंभे में रह जाओगे। दिल्ली पुलिस ने पूरे रोड के ऊपर किले गाड़ दी गई है और इतनी नुकुली किले हैं, अगर कोई भी ट्रैक्टर और कोई भी वाहन अंदर आएगा तो उसका टायर उसी टाइम फट जाएगा। ऐसी कड़ी सुरक्षा पहले हमने कभी नहीं देखी है, ऐसी सुरक्षा दिल्ली पुलिस ने की है। दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस ने ऐसा विश्वास सूत्रों से पता लगा कि शकील की लाठी दिल्ली पुलिस के जवानों के लिए बनाई है जो उपद्रवियों का सामना करेंगी। यह हमें विश्वास सूत्रों से पता लगा है, मगर दिल्ली पुलिस का कहना है कि हमने ऐसा अभी तक नहीं किया गया। मगर आप अगर बॉर्डर के ऊपर जाएं तो ऐसी ऐसी सुरक्षा चकाचौंध है, आप देखकर अचंभा हो जाएंगे। 8 लेयर सुरक्षा की गई है, दीवारें बनाई गई हैं, परमानेंट दीवारें बनाई गई हैं जो सीमेंटेड दीवारें हैं, उसके बाद बैरिकेटर लगाए गए हैं, उसके बाद तार लगाए गए हैं, उसके बाद रोड पर किले लगाई गई हैं। उधर से किसान भी अपनी तरफ से पूरा मोर्चा है, वो भी सुरक्षा व्यवस्था से पूरी तरह की गई है। इंटरनेट बंद करने के ऊपर किसानों ने अपनी ट्रालियों के अंदर सैटेलाइट सिस्टम लगा लिया है जिससे वो टीवी को देख सकें। दूसरी ओर मैं यह कहना चाहूंगा कि 250 किसानों के ट्विटर हैंडल को भी बंद कर दिया गया सरकार ने, जिसमें सरकार का कहना है कि इस ट्विटर हैंडल के थ्रू ये भड़काने भड़काने वाले जोशीले भाषण किसान देते थे। इसलिए 6 फरवरी को किसान चक्का जाम करने जा रहे हैं, ये चक्का पूरे देश में जाम होगा। ऐसे ही कई कांग्रेस के नेताओं के बयान भी आए हैं। दिग्विजय सिंह का कहना है कि हमें भी अभी रोड पर आना पड़ेगा। ऐसे ही सचिन पायलट ने कल कहा है कि जो बजट हुआ है उसमें किसानों के लिए कुछ भी नहीं दिया है और एमएसपी की गारंटी भी नहीं दी है। मगर बॉर्डर के ऊपर आप देखो, सिंधु बॉर्डर देखो, टिकरी बॉर्डर देखो, गाजी बॉर्डर देखो, वहां पर किसानों की संख्या भी दिन भर दिन बढ़ती जा रही है। और एक तरफ देखें तो पुलिस की संख्या भी वहां बॉर्डर पर बढ़ती जा रही है। बिल्कुल, लगातार जो किसानों की संख्या है वहां बढ़ रही है। जैसा कि आपने बताया, नुकीली किले जो हैं, इस तरह का सुरक्षा इंतजाम पहले कभी नहीं देखा गया। इसके अलावा सतबीर, 6 फरवरी को चक्का जाम का ऐलान भी किया गया है। दोपहर 12 से 3, 3 घंटे का चक्का जाम रहेगा। देश भर में किसान एकता मोर्चा की तरफ से ऐलान किया गया है, जिसमें 41 किसान संगठनों का समर्थन इसको प्राप्त है। ये भी एक बड़ी चुनौती होगी पुलिस के सामने, और जिस तरह के इंतजाम पुलिस की तरफ से किए गए, टकराव की स्थिति बनना तय है। कल किसानों ने यह फैसला किया कि वो 6 तारीख को चक्का जाम करेंगे और 3 घंटे के लिए पूरे देश में चक्का जाम करेंगे और उसमें पूरे देश के किसानों का सहयोग उनको मिलता दिखाई दे रहा है। और आपने देखा कि टिकट के आंसुओं के बाद में गांव गांव में महापंचायतें हो रही हैं और ऐसे ही कल 3 फरवरी को 24 के चबूतरे पर कंडेला गांव में टिकट एक संबोधन करेंगे जो जिन जिन डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। उसके बाद पंचायतों में यह फैसला किया जाता है कि हम गांव में भी रोड जाम करेंगे और इंटरनेट सेवाएं बहाल करने का भी बार बार सरकार से निवेदन किसान कर रहे हैं। मगर कल हरियाणा के अंदर कुछ जिलों में इंटरनेट सेवा की बहाल कर दी गई, मगर 7 जिलों में अभी भी इंटरनेट सेवाएं बंद है और बॉर्डर के ऊपर भी इंटरनेट सेवाएं बंद है। जी, इंटरनेट सेवाओं पर भी सतबीर पाबंदी लगाई गई है। ऐसे में प्रशासन के इंतजामों की अगर बात करें, तो क्या अतिरिक्त पुलिस बल वहां पर बुलाया गया है? तमाम जो सीमाएं हैं, दिल्ली पुलिस तो लगी हुई है,
वहां पर, लेकिन क्या अतिरिक्त तो फोर्स भी बुलाई गई है वहां सुरक्षा के दृष्टिकोण से? दिल्ली पुलिस के अलावा वहां पर सीआरपीएफ है और आरपीएफ भी देखने को मिली है, और जो भी दिल्ली पुलिस के अलावा जितनी भी फोर्सेज हैं सभी के हेलमेट हैं और पूरा उन्होंने चेस्ट के अंदर अपना गार्ड लगाए हुए हैं। आपका सतबीर तमाम जानकारी देने के लिए।